मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा का सीधा प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरे देश सहित उमरिया जिले में भी किया गया। शहर के समस्त नागरिकों ने स्थानीय गांधी चौक में पहुंचकर अपने दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन किए। अंतिम यात्रा में हर शख्स की आंखें दुख से नम थी। शायद कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो इस दुख से अछूता रहा हो। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मजदूर, क्या नेता, हर चेहरे में दुख की लकीर साफ नजर आ रही थी। सभी लोग प्रोजेक्टर स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहे थे। लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सरल और सहज कहे जाने वाले उनके नेता उन्हें इस दुख भरी दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे। अंत में सभी लोगों ने अटल जी की छाया चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की। वहीं बालीबाल के समस्त खिलाड़ियों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। इस दुखद घड़ी में मानपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सुश्री मीना सिंह, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिव नारायण सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष सिंह, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मिथिलेश मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष धनुष धारी सिंह, पुष्पेंद्र गौतम, नरेंद्र गिरी, अरविंद बंसल, राकेश शर्मा, शंभूलाल खट्टर, रानी शुक्ला, आभा निगम सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ता, व्यापारी बंधु, पत्रकार गण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। आज उनकी अंत्येष्टि हुई है, दुनिया के नेता थे, लोकप्रिय नेता थे और उनके जाने से देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस स्थिति में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। से हमें नई ऊर्जा मिलेगी। आज की वक्तुम भारतस्य खिलान ध्वजः, अर्थात भारतवर्ष के गुण का वर्णन करने में वाणी ही असमर्थ है। उसने छुपी को जनकवि, जननेता, भारत रत्न, भारत के सच्चे सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में कहने के लिए शब्द और वाणी दोनों सही से तड़पा जाते हैं। माननीय वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी हमें जीवन भर करती रहेगी और लंबे समय तक उनका भराव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ईश्वर के ऊपर निर्भर है। हम सब इस आयोजित कार्यक्रम में खासतौर से अपने साथी राकेश शर्मा जी, युवा मोर्चा से भाई अपने गौतम जी, अपने भाई साहब विष्णु भारती जी, हमारे उमरिया नगर मंडल के अध्यक्ष धारी सिंह जी, हमारे साथी मधेश भाई, हमारे जिले के दोनों विधायक और उमरिया नगर के तमाम व्यापारी बंधु, आसपास बाजार हाट करने आए गांव के लोगों ने वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि समारोह को देखा, सुना और सब नम आँखों से अपने अंतर्मन की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न से विभूषित थे, उनका कल देहावसान हो गया है। इस पे हम सभी बालीबाल के खिलाड़ियों ने कालरी के ग्राउंड में और संतोष सिंह की द्वारा ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम अर्पित किया गया है, जिसमें सभी खिलाड़ी साथी श्रद्धा सुमन माननीय अटल जी के प्रतिमा पर अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित।